नमस्कार, मैं राजकुमार कोरी सर्वोच्च दर्पण हिंदी न्यूज में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए चलते हैं खबर की ओर। नगरवासियों के द्वारा आगामी समय से आंदोलन पर आंदोलन जारी है, लेकिन टूटे हुए पुल को किसी लेकर किसी भी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती। उसी के आक्रोश में आज नगरवासियों ने सेवड़ा सनकुआ को नदी के बड़े पुल पर टूटे हुए पुल के दूसरे वर्ष पुल को श्रद्धांजलि देते हुए संकल्प लिया। जो टूटा हुआ पुल बनवा आएगा वही विधानसभा सेवड़ा का विधायक होगा। बता दें, नगर के पत्रकार बंधुओं, साहित्यकार बंधुओं, समाज सेवी जनों एवं विभिन्न दलों में रहते हुए भी अपने नगर को प्राथमिकता देने वाले वरिष्ठ जनों ने सामूहिक रूप से बड़े पुल के अवशेषों पर जाकर श्रद्धांजलि पुष्पांजलि शोक सभा का आयोजन रखा। सर्वप्रथम 4 अगस्त 2021 में टूटे बड़े पुल की द्वितीय वर्षीय पुल के अवशेषों पर पुष्पांजलि कर मनाई। तत्पश्चात पुल में गिरकर हुई दुर्घटनाओं में मृत लोगों को पुष्पांजलि आदरांजलि अर्पित की। इसके बाद उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों ने अपने अपने विचार रखकर श्रद्धांजलि दी। अंत में 2 मिनट का मौन धारण किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से अशोक शर्मा, उदयवीर सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पत्रकार रमा शंकर नागरिया, कवि भूपेंद्र राणा, ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव, डॉक्टर राजेंद्र पराशर, नरेंद्र मित्तल, निरंजन दत्त, क्षेत्रीय श्यामू ठाकुर, सुल्तान खान, महेंद्र दउआ, बादशाह खान, नितिन श्रीवास्तव, रवि सोनी, गोपाल कुशवाहा, अशोक राठौर, शिव कुमार यादव, हृदय तिवारी, रज्जू खरे, पत्रकार भरत पाल, चन्ने सोनी, भैया सक्सेना, रवि बघेरिया, रमेश यादव, पंडा पंकज, कवि पुष्पेंद्र सक्सेना आदि उपस्थित रहे। दतिया से राजेश व्यास की खास रिपोर्ट। मेरा सभी लोगों को एक ही अनुरोध है, सभी का लगाव किसी न किसी पार्टियों की तरफ होता है। अब की बार उनकी छोड़ करके पूरा शहर किस ओर जाएगा, हम ये वादा करते हैं कि दलगत राजनीति छोड़ करके अब की बार सेवड़ा वासी जिनके दिल में इस पीड़ा पुल टूटने का दर्द है, अगर बात सब में है, सब लोग एक साथ चलेंगे और कह के चलेंगे कि हम गिरा जा रहे हैं, जो हमारी बात सुनेगा उसकी तरफ हम लोग चलेंगे। अब के चुनाव में ये दिखाना है कि यहाँ सेवड़ा वासियों का कुछ दम है। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।